मैं विपिन कुमार अपने सभी विद्यार्थियों का YouTube के लर्न इजी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपने हाई स्कूल के विद्यार्थियों को बता दूं कि इसके पहले सेंटेंस का चैप्टर जो है चल रहा है, जिसमें विद्यार्थियों को कॉम्प्लीमेंट के बारे में जो है पढ़ाया जा रहा है। कॉम्प्लीमेंट की परिभाषा बताई गई। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, कैसे जो है इनका जो है प्रयोग किया जाता है, इसमें जो है प्रीपोजिशन की भूमिका जो है बहुत ही मस्ट होती है। प्रीपोजिशन में विद्यार्थियों को बताया गया जो है, पहले जो है पर ऊपर का अनुवाद बताया गया, पर ऊपर में जो है उनको आन का प्रयोग बताया गया, अपान का बताया गया, एट का प्रयोग बताया गया, और एबव है, ओवर है, और अप का प्रयोग जो है उनको जो है बताया गया। अब दूसरे जो है प्रीपोजिशन में जो है मे अंदर का अनुवाद उनको बताया गया। मे अंदर में जो है पहला प्रीपोजिशन जो है इन था, दूसरा इनटू, उसके बाद एट का प्रयोग जो है मे और अंदर के अंतर्गत ही बताया गया। अंडर का प्रयोग, विदिन का प्रयोग, बिटवीन, एमंग, बाय का प्रयोग, ये तमाम जो है प्रीपोजिशन जो है उनके पहले के वीडियो में जो है पढ़ाए जा चुके हैं। अब इनको हिंदी का एक प्रीपोजिशन जो है से आता है, और से के लिए जो है हम किन किन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जो है पहले विद का यूज होता है, फ्रॉम भी से के यूज में जो है प्रयोग किया जाता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है, फार का, बाय का और टू का। पहले विद्यार्थियों को ये जानना है कि विद का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। विद के प्रयोग में जो है विद्यार्थियों को एक लाइन जो है ध्यान देना है कि जब कोई कार्य किसी यंत्र या माध्यम के द्वारा करते हैं तो वहाँ पे से के अंग्रेजी विद लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया जाए कि माता जी चाकू से सब्जियां काटती हैं। अब यहाँ पे विद्यार्थियों को ये ध्यान देना है कि इस पूरे हिंदी वाक्य में जो है प्रीपोजिशन कहाँ पे है। प्रीपोजिशन यहाँ पे जो है से है, इससे जो है जुड़ने वाला जो नाउन है जो है सब्जियां है, तो अब यहाँ पे जो है से की जो है से के लिए जो है कौन सा प्रीपोजिशन रखा जाए। तो विथ में जो है बताया गया जो है कि जब कोई कार्य किसी यंत्र या माध्यम के द्वारा होता है तो वहाँ पे से की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, विथ लिखते हैं। यहाँ पे जो है काटने का काम जो है किससे हुआ जा रहा है, जो है चाकू से किया जा रहा है। तो यहाँ पे चाकू हमारा जो है माध्यम है, तो यहाँ पे से की अंग्रेजी जो है विथ लिखी जाएगी। तो हम ट्रांसलेशन लिखते हैं कि द मदर कट्स द वेजिटेबल्स विथ नाइफ। अपने विद्यार्थियों को जो है जानकारी के लिए बता दूं कि विथ का शाब्दिक अर्थ जो है के साथ भी होता है, के साथ के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे एक वाक्य जो है लिख दिया जाए कि मैं अपने मित्रों के साथ वाराणसी जाता हूँ। अब यहाँ पे के साथ के लिए जो है विद का प्रयोग जो है किया जाना है, क्योंकि विद का जो है शाब्दिक अर्थ जो है के साथ से ही लिया जाता है। अब यहाँ पे जो है नाउन जुड़ने वाले कौन कौन से हैं, अपने मित्रों। तो प्रीपोजिशन से जुड़ने वाले जो नाउन प्रोनाउन होते हैं प्राय जो है कॉम्प्लीमेंट के रूप में ही रखे जाते हैं। तो यहाँ पे के साथ की अंग्रेजी जो है विथ ही लिखना है। अनुवाद करेंगे तो हमारा अनुवाद होगा कि आई गो टू वाराणसी विथ माई फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है पहले एग्जाम्पल में जो है से के लिए जो है विद का प्रयोग हुआ, जो है दूसरे एग्जाम्पल में जो है के साथ के लिए विद का प्रयोग हुआ। तो विद्यार्थी ये ध्यान देंगे विद में जो है एक लाइन जो है नोट करेंगे
कि जब कोई कार्य किसी यंत्र या माध्यम के द्वारा होता है तो वहाँ पे से की अंग्रेजी क्या लिखी जाती है, विथ लिखी जाती है। अब से के लिए जो है दूसरा प्रीपोजिशन जो है फ्रॉम आता है। फ्रॉम में जो है विद्यार्थियों को जो है बताया जाता है कि अलगाव की स्थिति में, अलगाव अलगाव की स्थिति में, स्थिति में से की अंग्रेजी फ्रॉम लिखते हैं, से की अंग्रेजी फ्रॉम लिखते हैं। विद्यार्थियों को यह समझना होगा जो है कि अलगाव क्या है, यही जो है ये इस सेंटेंस का जो है मेन शब्द है जो है अलगाव। अलगाव का मतलब जो है सेपरेशन से है जो है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरना, पत्ता पहले जो है पेड़ पे था जो है, उसके बाद जो है गिरा तो जो है पेड़ से अलग हुआ, तो वहाँ पे जो है अलगाव की स्थिति हुई। तो वहाँ पे जो है पेड़ से की अंग्रेजी फ्रॉम द ट्री लिखेंगे। बैंक से रुपये निकालना, पहले रुपया जो है बैंक में था, अब वहाँ से निकला जो है तो हमारे पास आया जो है, अलगाव की स्थिति हुई जो है, तो बैंक से की अंग्रेजी जो है फ्रॉम द बैंक लिखेंगे। कुएं से पानी निकालना, पानी पहले कुएं में था जो है, उसका कुछ हिस्सा जो है उससे अलग होकर जो है बाहर आया जो है, तो वहाँ पे अलगाव की स्थिति हुई जो है, तो वहाँ पे जो है से की अंग्रेजी क्या लिखेंगे जो है फ्रॉम लिखेंगे। एक एग्जांपल जो है फ्रॉम के लिए लिया जाए कि पिताजी हर महीने बैंक से रुपए निकालते हैं। यहाँ पे विद्यार्थियों को ये ध्यान देना होगा कि पूरे हिंदी वाक्य में प्रीपोजिशन चेक करेंगे कि प्रीपोजिशन कहाँ पे है। से प्रीपोजिशन है, इससे जो है नाउन जुड़ने वाला जो है बैंक से। अब यहाँ पे से की अंग्रेजी जो है क्या लिखी जाए, से के लिए जो है कौन सा प्रीपोजिशन लगाया जाए। से के लिए जो है प्रीपोजिशन लगाने से पहले जो है यहाँ पे जो है विद्यार्थियों को ये ध्यान देना है कि क्या यहाँ पे अलगाव की स्थिति है क्या। अब पिताजी हर महीने बैंक से रुपए निकालते हैं, रुपया पहले जो है बैंक में है जो है, जब निकला जो है तो रुपया जो है अलग होके जो है पिताजी के पास हुआ जो है, अलगाव की स्थिति बनी जो है। तो यहाँ पे जो है बैंक से की अंग्रेजी लिखेंगे फ्रॉम द बैंक। जब अनुवाद करेंगे तो अनुवाद हो जाएगा कि द फादर निकालना, ड्रा। द फादर सिंगुलर नंबर में है तो ड्रा में एस जुड़ेगा जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। द फादर ड्रा, ऑब्जेक्ट रखेंगे द रुपी। बैंक से की अंग्रेजी लिखेंगे जो है फ्रॉम द बैंक, हर महीने, एवरी मंथ। ये तो जो है अलगाव की स्थिति में हुआ जो है, से की अंग्रेजी जो है फ्रॉम लिखते हैं। अब विद्यार्थियों को जो है अगला प्रीपोजिशन जो है से के लिए जो है सिंस आता है। सिंस का प्रयोग जो है कहाँ पे होता है विद्यार्थियों को जो है ये जानना होगा। सिंस में जो है एक लाइन बताई जाती है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम से की अंग्रेजी सिंस लिखते हैं। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या है जो है बच्चों को जो है ये पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ टाइम है क्या। पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो है जिनको जो है विद्यार्थियों को नोट करना पड़ता है कि अगर इस तरह की जो है चीज़ें रहेंगी जो है तो ये पॉइंट ऑफ टाइम में जो है गिनी जाती हैं जो है, इनके लिए जो है सिंस का ही प्रयोग होता है। अब पॉइंट ऑफ टाइम में पहला जो है हेडिंग आती है कि बजों के साथ। यहाँ पे पहली हेडिंग हो गई जो है बजों के साथ, घड़ी का जो बजना होता है जो है बजों के साथ, इसको जो है हम पॉइंट ऑफ टाइम में जो है गिनते हैं। अगर यहाँ पे लिख दे कि 2 बजे से, तो प्रीपोजिशन से जो है, क्योंकि जितने भी जो है घड़ी की टाइम होती है जो है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, ये सब जो है पॉइंट ऑफ टाइम में गिने जाते हैं। यहाँ पे से की अंग्रेजी हमेशा जो है सिंस लगेगी, तो इसको हम जो है लिखेंगे कि सिंस 2 ओ
क्ला। बजना से जो है कुछ भी रहेगा, जो है 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से। अगर 2 बजे से है तो सिंस 2 o'clock, 3 बजे से है तो सिंस 3 o'clock, 4 बजे से है तो सिंस 4 o'clock, अगर 4:15 बजे से है तो सिंस 4:15, 4:30 बजे से है तो सिंस 4:30 हो जाएगा, अगर 4:45 बजे से है तो सिंस 4:45 हो जाएगा। अब दूसरी हेडिंग क्या है, जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए दिनों के नाम के पहले। विद्यार्थी जानते हैं कि सप्ताह में जो है 7 ही दिन होते हैं। 7ों दिन का नाम क्या है, जो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये जो है 7 दिन होते हैं, अगर इनसे प्रीपोजिशन जो है से जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे हो गया कि सोमवार से, तो वहाँ पे जो है लिखेंगे कि सिंस मंडे। अगर मंगलवार से है तो सिंस ट्यूसडे हो जाएगा, शुक्रवार से है तो सिंस फ्राइडे हो जाएगा, शनिवार से है तो सिंस सैटरडे हो जाएगा, अगर रविवार से है तो सिंस संडे हो जाएगा। तो ये हेडिंग जो है विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि दिनों के नाम के पहले अगर से प्रीपोजिशन का जो है प्रयोग किया गया है, से प्रीपोजिशन अगर दिनों के नाम से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे जो है से की अंग्रेजी सिंस ही लगनी है। तीसरे में है जो है कि महीनों के नाम के पहले से की अंग्रेजी जो है सिंस लिखते हैं। जैसे महीना जो है 12 होता है, 12 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने का जो है नाम है। अगर ये से जुड़े हैं, जैसे जनवरी से तो हम लिखते हैं जो है कि सिंस जनवरी लिखते हैं। अगर फरवरी से है तो सिंस फरवरी लिखते हैं, मई से है तो सिंस मई लिखते हैं, अगर दिसंबर से है तो सिंस दिसंबर लिखते हैं। अगर इसके पहले जो है जैसे दिनांक जुड़ा हुआ है, जो है जैसे 4 जनवरी से कह दिया, तो ये भी जो है पॉइंट ऑफ टाइम में गिना जाता है। 12 दिसंबर से अगर जो है दिनांक पड़ गया, डेट पड़ गया जो है, तो ये भी जो है पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत ही आता है। इसमें जो है से की अंग्रेजी आप हमेशा जो है सिंस ही लिखेंगे, ये विद्यार्थी जो है ध्यान देंगे। महीनों के नाम के पहले हो गया, जो है हमने जो है इसमें बता दिया, जो है दिनांक भी जो है पॉइंट ऑफ टाइम में गिना जाता है। दिनांक के लिए भी जो है पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जैसे 12 दिसंबर से तो यहाँ पे जो है लिखा जाता है कि सिंस दिसंबर कामा करके जो है 12, ऐसे जो है लिखते हैं इसको। अब पॉइंट ऑफ टाइम में जो है और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जो है विद्यार्थी ध्यान देंगे कि शनिवार के पहले भी जो है हम से की अंग्रेजी जो है सिंस लिखते हैं, शनिवार। दूसरे में है जो है शनिवार के पहले, से की अंग्रेजी जो है सिंस लिखी जाती है। शनिवार में जैसे यहां पे लिख दिया जाए कि 1857 से, अब यहां पे से की अंग्रेजी जो है सिंस ही लिखना है, क्योंकि इसको जो है पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है, सिंस 1857। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए कि 2005 से, तो यहाँ पे जो है पॉइंट ऑफ टाइम में आता है जो है, तो लिखेंगे जो है सिंस 2005। अगली हेडिंग जो है सिंस के लिए जो है क्या पड़ती है, जो है पॉइंट ऑफ टाइम में जो गिनी जाती है, जिसको हम कहते हैं जो है डिवीजन ऑफ टाइम, जिसकी हिंदी होती है जो है समय का विभाजन। विद्यार्थियों को जो है जानकारी दे दूं कि जो एक दिन होता है जो है उसको जो है 4 भागों में बांटा गया है। पहले सुबह होती है, जो है दोपहर होती है, शाम हो जाती है, लास्ट में जो है चौथे हिस्से में जो है रात हो जाती है। तो अगर यहाँ पर लिखा गया है कि सुबह से प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो है कि सिंस मॉर्निंग। अगर दोपहर से है
तो यहाँ पे लिखेंगे जो है सिंस आफ्टरनून, आज से, कल से। कल जो है दो होता है, एक बीता हुआ कल होता है, एक आने वाला कल होता है। अगर बीता हुआ कल है जो है तो सिंस यस्टरडे लिख देंगे, यदि आने वाला कल है तो सिंस टुमारो लिख देंगे जो है। ये भी जो है डिवीजन ऑफ टाइम में ही आता है, विद्यार्थी जो है ये ध्यान देंगे। और अब अगला प्रीपोजिशन उनके सामने है जो है कि फार का प्रयोग कहाँ पे होता है। फार का प्रयोग मैं अपने विद्यार्थियों को अगले वीडियो में जो है बताऊंगा और उनको अच्छी तरह से जो है समझाने का प्रयास करूंगा। और इसके बाद के जो प्रीपोजिशन हैं जैसे तक है, को लिए, को का अनुवाद है, तक का अनुवाद है, तो ये तमाम जो है प्रीपोजिशन है इनके लिए जो है कौन कौन सी जो है चीज़ें यूज होती हैं, किस स्थिति में यूज होती हैं, ये आपको जो है अगले वीडियो में जो है बताया जाएगा। धन्यवाद।